चीन में इस वक्त लेकिमा तूफान अपना कहर ढा रहा है। इस विकराल तूफान ने चीन में भारी तबाही मचा दी है। ताइवान के बाद अब शक्तिशाली तूफान लेकिमा ने शनिवार तड़के चीन के जेजियांग प्रांत में दस्तक दे दी। तूफान के असर से 187 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। बिजली के खंभे उखड़ गए। इतना ही नहीं, इस तूफान ने हजारों पेड़ों को जड़ से उखाड़ डाला। यहाँ तक कि रोड पर खड़ी लड़की भी तिनके की तरह अचानक से तूफान में उड़ गई। और तो और, इस तूफान के आगे भारी ट्रक भी हल्के पड़ गए। तूफान ने 50 टन के भारी ट्रक को भी धकेल डाला। करीब 200 मकान देखते ही देखते नजरों के सामने धाराशाही हो गए। लेकिमा चीन में इस साल आने वाला नौवां तूफान है। अब तक इस तूफान ने 28 लोगों की जान ले ली और 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। वहीं इस विकराल तूफान ने 66,300 हेक्टेयर जमीन में फसलें तबाह हो गई। तेज हवाओं के चलते हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। तकरीबन 10 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।